गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम आरोह भागवन का गलता लोहा पाठ का सारांश कर चुके हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। जिस समय धनराम 13 का पाढ़ा नहीं सुना सका, तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जवान के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से आएगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धोकने फूकने और लोहार के काम में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। मास्टर जी पढ़ाई करते समय छड़ी से और पिताजी मनमाने औजार हथौड़ा छड़ हत्था जो हाथ लगे उससे पीट पीट कर काम सिखाते थे। इसीलिए उसने किताबी विद्या छोड़कर हथौड़ा और घन चलाने की विद्या को सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी काम काज के लिए कोई ब्राह्मण इधर आता भी तो खड़े खड़े बातचीत करके चला जाता था। इधर मोहन द्वारा धनराम के ऑफर पर आकर बैठ जाना और हसुआ ठीक हो जाने पर भी बैठे रहना, उसके हाथ से लोहे की छड़ को लेकर उसको गोल आकार देना, धनराम के लिए मोहन का बड़ा ही आश्चर्यजनक व्यवहार था। क्योंकि मोहन एक ब्राह्मण था और उसका यह व्यवहार ब्राह्मणों की मर्यादा के विरुद्ध था, इसलिए धनराम धर्म संकट की स्थिति में संकोच और असमंजस के साथ मोहन को आश्चर्य से देखता रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? मोहन पाठशाला के मास्टर त्रिलोक सिंह का प्रिय विद्यार्थी था। जब पूरी कक्षा में किसी भी छात्र को सवाल का उत्तर न आता तो मास्टर जी मोहन से पूछते और वह उत्तर दे देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। वह अच्छा गाता भी था। मास्टर जी के पहुंचने से पहले प्रार्थना करवा लेता था। अनेक बार जिसे सवाल न आता उसे मास्टर जी मोहन से पिटवाते थे। कहते थे कि पकड़ इसका कान और लगवा उठक बैठक, अथवा छड़ी से पिटवाते। धनराम ने भी अनेक बार मोहन के हाथों बैत खाए थे, पर मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम शुरू से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही धनराम के मन में यह बात बैठ गई थी कि जातिगत हीनता के कारण कभी मोहन को उसने अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझकर उसका आदर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। पांचवी कक्षा तक आते आते मास्टर जी सदा उसे यही कहते कि एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। जब पांचवी कक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर जी की भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी। यही मोहन जब पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ गया तो उसने इस होनहार को घर का नौकर बनाकर रख दिया। बाजार का काम करवाना, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, इस काम के बोझ ने गांव के मेधावी छात्र को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इन्हीं स्थितियों के चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए इस परिवर्तन को जीवन का एक नया अध्याय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान की चाबुक कहा है और क्यों? एक दिन धनराम को 13 का पहाड़ा नहीं आया तो आदत के अनुसार मास्टर जी ने छड़ी मंगवाई और धनराम से सारा दिन पहाड़ा याद करके छुट्टी के समय सुनाने को कहा। जब छुट्टी के समय तक उसे पहाड़ा याद न हो सका तो मास्टर जी ने उसकी पिटाई की।
और कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से आएगा इसमें। यही वह कथन था जिसे पाठ में लेखक ने जवान की चाबुक कहा, क्योंकि धनराम एक लोहार का बेटा था और मास्टर जी का यह कथन उसे मार से भी अधिक चुभ गया। जैसा कि कहा भी जाता है कि मार का घाव भर जाता है पर कटु जवान का नहीं भरता, यही धनराम के साथ हुआ और निराशा के कारण वह अपनी पढ़ाई आगे जारी न रख सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरादरी का यही सहारा होता है, इसके देखिए चार पार्ट हैं। यह कथन किसने कहा, किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। देखिए यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपने एक रिश्तेदार रमेश को कहा था। किस प्रसंग में कहा था, वंशीधर ने जब मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने कहा कि मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दीजिए, घर में जहाँ चार प्राणी हैं वहाँ एक और बढ़ जाएगा, शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेगा, इस सहानुभूति के उत्तर में कहा था। किस आशय से कहा, यह कथन पुत्र की पढ़ाई से परेशान वंशीधर ने रमेश से इसलिए कहा क्योंकि वे स्पष्ट करना चाहते थे कि जाति बिरादरी का होने के नाते रमेश ने उनकी चिंता दूर कर दी, इस मदद से उनके सपने साकार होने की दिशा में कदम बढ़ाने के अवसर खुल गए। क्या कहानी में आशय स्पष्ट हुआ, नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ, इसके विपरीत परिणाम सामने आए। गांव के होनहार विद्यार्थी को रमेश ने लखनऊ ले जाकर उसकी प्रतिभा का विकास करने की बजाय उसे घरेलू नौकर बना दिया, इस कारण प्रयास करने पर भी वह स्कूल में अपनी जगह नहीं बना सका और उसके माता पिता के सपने धराशाही हो गए। नेक्स्ट कथन देखिए, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया, किस प्रसंग में कहा गया, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। अब देखिए, कहानी का यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया, किस प्रसंग में कहा गया, जिस समय मोहन धनराम के ऑफर पर आकर उसकी दुकान पर बैठता है और अपना हसवा ठीक हो जाने पर भी बैठा रहता है, उस समय धनराम एक लोहे की छड़ को आकार देने का प्रयास कर रहा था और वह उससे हो नहीं पा रहा था, तो मोहन ने उसके हाथ से छड़ी ली और उसे सही आकार दे दिया। अपने सधे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल दिखाकर उसने सर्जक की चमकती आँखों से धनराम की ओर देखा था। यह वाक्य पात्र विशेष की किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है, देखिए यह कार्य कहानी का प्रमुख पात्र मोहन ने किया, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह अपने बाल सखा धनराम को अपनी कुशलता का परिचय देता है और मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर नहीं बना वरन मेहनतकश और सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो मेहनत करने वालों का संप्रदाय जाति से ऊपर उठकर मोहन के व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो। मोहन स्पर्धा और हार जीत की भावना से दूर है। बच्चों, आज का होमवर्क है प्रश्नोत्तर, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।